वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ईद का दूसरा दिन, गाइस सर्दी बहुत हो गई है, बुखार हो गया है। तो कल तो पता नहीं होश ही नहीं रहा था, कल क्या हुआ, कैसे पूरा दिन गुजर गया। सो गाइस, आज मैं मतलब मॉर्निंग से ही सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, सबके साथ शेयर करूँगी। मॉर्निंग के अभी नाश्ते के बर्तन हैं वो धोती हूँ, और लंच में देखो क्या बनाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाने वाली हूँ मैं मटन पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पानी में भिगो के इसको मटन को रख दिया है, और अभी बस इसे बॉईल करने के लिए रखती हूँ जब तक मेरा बर्तन भी हो जाएगा। पुलाव के लिए मैंने चॉप कर लिया ऑनियन, लेमन, टमाटर और हरी मिर्ची। और ये यहाँ राइस है जो मैं वॉश करूँगी और इसे भीगने के लिए मतलब छोड़ दूँगी। ये भीग के ना बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले। और मतलब राइस को थोड़ा भिगो के बनाएंगे ना तो वो राइस चिपकता भी नहीं और अच्छा बड़ा बड़ा बनता है, मतलब अलग अलग खिला खिला रहता है, और दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट दुगना हो जाता है। इधर गोश्त बॉईल हो रहा है, उधर राइस भीग रहा है, इधर मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है, सिर्फ ये अभी राइस भीग गए हैं और ये भी हो चुका है। तो मैं बस पुलाव चढ़ाने जा रही हूँ, उसके बाद देखती थोड़ा सा सैलड बनाऊँगी जो भी है। कल भी बहुत सारे आइटम बनाए थे लेकिन आज थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। और इधर से आवाज़ एकदम कल बंद हो गई थी, तो मतलब ही नहीं हुआ। कल ईद का ब्लॉग बनाती लेकिन होश ही नहीं था, थोड़ा बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन, ऊपर से फिर कुर्बानी होती है तो फिर उसमें ना को लेना देना रहता है। भागम भाग कोई मैसेज डी आ रही थी तो उसको भी मैंने बंद कर दिया। लास्ट अभी सिर्फ चढ़ाना बाकी रह गया है, चलिए ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ मैंने ये सब चीज़ चॉप करके रख ली है, और ये बॉयल गोश्त भी यहाँ रख लिया है, और जिसका पानी है वो मैं इसमें बाद में ऐड कर दूँ। उसमें सौंफ, धनिया, मतलब अक्खा सौंफ, अक्खा धनिया, अक्खा लहसुन, अक्खा प्याज, मतलब छीन के दो तीन पीस कर लीजिए, और नमक और तेज़पत्ता डाल के मैंने बॉयल किया है इसको। अब यही पानी मैं राइस के साथ पुलाव में ऐड कर दूँगी ना। हम एकदम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि गोश्त काफ़ी चिकना था। ये ईद से एक दिन पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था, ये वही पेस्ट है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
और मैंने ना साबिस्ता भी पीस के रखा था, जो ऑनियन रहता है और कड़े गरम मसाले फ्राई करके बिना पानी के पीस के, उसके ना टेस्ट पुलाव का ना बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। सॉरी गाइस आवाज़ ख़राब हो रही है। ये है ईस्टर्न का बिरयानी मसाला, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा तीखा बड़ा ना हो तो ये यूज़ कर सकते हो। गोश्त अभी अच्छे से भून गया है, ये देखिए। तो इसमें पानी देख रहे हैं आप, मैं आपका पसीना, ये देखिए मैं साफ कर दी। सॉल्ट चेक कर रही हूँ कि मतलब नमक ज़्यादा है कि कम है। आप जैसे चाहे आप भी टेस्ट करके स्वाद अनुसार मतलब जो भी आपका रहता है यूज़ करो। जो को उसके गंदे बर्तन हैं जैसे प्रेशर कुकर ये सब मैं वॉश कर लेती हूँ। मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ यहाँ से बेडरूम में, देखती हूँ बेडरूम में कुछ काम रहेगा तो वो करती हूँ। ओ बाबा यहाँ तो अभी तक पर्दा भी नहीं खुला, गर्मी काफ़ी हो रही है तो मैं पर्दे हटा रही हूँ। खुदा आरिब ने अपने पिगी बैंक खोले हैं, देख रहे हैं किसके ज़्यादा पैसे। आरिब बोलता है मेरे ज़्यादा, आप भी बोलेंगे मेरे ज़्यादा है, और डैडी के साथ काउंट कर रहे हैं, देखिए किसके ज़्यादा निकलते हैं। रेडी हो चुका है एकदम से खाने के लिए, ये देखिए पूरा। अब इसको ना कचूमर के साथ खाएंगे ना, इतना यमी लगता है कि क्या बताएं। अभी हो गया, सब हो गया, अभी हो गई है शाम, बच्चे गए हैं डैडी के साथ बाहर और मैं बस हॉल में ऐसे बैठ रही हूँ। मतलब दोनों बच्चों ने अपना अपना गला मतलब पिगी बैंक तोड़ दिया है, और आरिफ का ज़्यादा पैसा निकला, उदा का कम निकला है,
आरिफ का निकला है 1600, आरिफ का 1685 रुपये और हुदा का 1400 कुछ। लेकिन हमने बच्चों को सिखा है कि जो पिगी बैंक रहता है हमारे यहाँ तीन बनता है, एक ज़रूरतमंद का, एक हुदा का, एक आरिफ का, और उसमें बच्चे ही पैसे डालते हैं ताकि उनको भी एक शुरू से एक आदत हो जाए कि लोगों की हेल्प कैसे की जाती है और क्या किया जाता है। तो मतलब उसे एक अच्छी आदत है उनकी। आपने जैसे कि हम अपने लिए जो कुछ जोड़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ का कुछ भी करना चाहेंगे, तो वैसे ही वो भी ज़रूरतमंदों के लिए किसी की हेल्प करना अभी से ही सीखेंगे। इसीलिए हम उनको हमेशा सिखाते हैं जो चीज़ अपने लिए ले रहे हो, आप महंगे टॉय ले रहे हो, तो वैसे ही उतना पैसा किसी गरीब को हम दे सकते हैं जिससे वो खाना भी दो टाइम का खा सकता है। तो ये चीज़ का एहसास हम उन्हें बचपन से ही दिलाएंगे, तभी तो वो आगे जाके किसी की हेल्प कर पाएंगे और अच्छा सीखेंगे कुछ। सो गाइस, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ही आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और दुआ कीजिए मेरी आवाज़ ज़रा जल्दी अच्छी हो जाए क्योंकि आवाज़ एकदम भारी भारी हो जाती है, इसी शाम होती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिए।